मैं उसकी ज़िंदगी में वो किताब थी जिसे वो हर दुकान हर बाज़ार में खोजा करता था, जो ना ही उसे दरियागंज की गलियों में मिली और ना ही करोल बाग की भीड़ में। अब मैं बस एक किताब से कुछ बढ़कर हो गई थी, जैसे मानो आखिरी ख्वाहिश या फिर कोई ज़िद। कई मशक्कत के बाद आखिरकार उसे किताब मैसर हुई। किताब पाने के बाद वो उतना ही सुकून में था जितना एक बच्चा अपनी माँ की गोद में महसूस करता है। किताब को पा लेना ही बस नहीं था, अब वो किताब को पूरी तरह पढ़ना चाहता था। धीरे धीरे एक एक पन्ना पलटता गया, जैसे नई नई मोहब्बत में दिन गुजर जाया करते हैं और पता भी नहीं चलता, ना सुबह का होश होता है और ना ही शाम का, ना खाने का होश होता है और ना ही किसी काम का। जैसे जैसे वो किताब को पढ़ रहा था, उसकी उंगलियों के पोरवों से किताब भी उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश जब तक पूरी होती, किताब का आखिरी पन्ना आ गया जिस पर लिखा था अंत। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कमरे के कोने में पड़े पड़े उसके पसंदीदा किताब पर पहले तो बस धूल जमी थी, लेकिन अब उसके ऊपर कई नई किताबों को रख दिया गया था। ऊपर रखी उन किताबों को तो फिर एक दोबार इधर उधर कर लिया जाता था, और मैं उम्मीद के साथ इंतज़ार करती, बस उसकी उंगलियों के पोरवों के एहसास के साथ सांस ले रही थी। पहले उसे किताब का इंतज़ार था, आज किताब को उसका इंतज़ार है। इंतज़ार है कि इस बार वो किताब को पढ़ने नहीं, समझने के लिए आएगा।